स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एज़ यू नो, आई एम योर टीचर मिस इकरा फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, क्लास फाउंडेशन ईयर 2। टुडे वी आर डूइंग आर ड्राइंग लेसन एंड ऑल्सो वी आर डूइंग आर एक्टिविटी विथ मिस नाजिश। एंड टुडे आई विल डू अ ड्राइंग लेसन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आर ड्राइंग लेसन। सो टेक आउट योर बुक, दिस इज योर ड्राइंग बुक। ओपन योर बुक, पेज नंबर इज 28। आपकी बुक का पेज नंबर 28 है। आज हम हमारी एक्टिविटी और ड्राइंग साथ करेंगे, ठीक है। आपकी एक्टिविटी मिस नाजिश करवाएंगी, आपको बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करवाएंगी और मैं आपको आज ड्राइंग करवाने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा और हम इस एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय करेंगे, आपकी क्लास को बहुत इन्जॉय करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक, टेक आउट योर पेज नंबर 28। This is your book and this is your last page lesson, okay? And today we are doing our page number 28. This is your first lesson, today's lesson. ठीक है, ये आज हमारी बुक का लेसन है, पेज नंबर 28 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द हेडिंग। एक्टिविटी स्माइली स्नेक। ठीक है, आज हमें एक्टिविटी करनी है। ये जो स्नेक है हमारे पास, बहुत खूबसूरत से क्यूट से स्माइली स्नेक है, स्माइल कर रहा है। ठीक है, हम इसके अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। रीड विथ मी। द गिवन पिक्चर इज क्रिएटेड इन अ कोलाज टेक्निक। अ कोलाज इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पिक्चर्स by sticking tiny pieces of colored paper। जैसे कि मेरे सारे बच्चे जो हैं उन्हें पता होगा कि हम लोगों ने पहले भी पेपर्स के दरमियान एक कोलाज एक्टिविटी करी थी, कोलाज पेपर एक्टिविटी करी थी। मेरे पास कुछ आज भी बहुत सारे कटे हुए पेपर्स हैं, मैंने कुछ कट कर लिए हैं। मेरे पास बहुत सारे कलर पेपर पड़े हुए थे और कुछ हम जो पहले की एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन एक्टिविटीज़ के लिए जो सर्कल्स काटे थे और हमने एक अल्फा वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट करी थी, इसमें भी हमारे पास कुछ टाइनी पीसेस बचे थे। ठीक है, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम कट करके वो सारे पीसेस रख सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पीसेस हैं अलग अलग। ठीक है, आज हम इनका यूज़ करेंगे और इसे एक्टिविटी करेंगे। मेरे बच्चों को अच्छे से पता है कि टीचर हमें ये एक्टिविटी कैसे करवाती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग आर एक्टिविटी विथ कोलाज वर्क एंड कलर्ड पेपर पीसेस। प्रिपेयर अ कोलाज ऑफ द गिवन ड्राइंग ऑफ अ स्नेक यूजिंग पीसेस ऑफ वेरियस कलर्ड पेपर्स। इसमें ऐसा लिखा है कि हमें कलर पेपर, जैसे कि हमें ये डायग्राम भी दी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे कलर पेपर यूज़ किए हुए हैं, हमें भी अलग अलग कलर के, जैसे कि मैंने भी अलग अलग कलर के पेपर्स ले लिए हैं, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कलर पेपर्स लेंगे और हम उससे कोलाज वर्क करेंगे। मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, लाइक दिस। देखें कितने छोटे छोटे पीसेस हैं, स्मॉल टाइनी पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। आप भी ऐसे ही अलग अलग शेप्स में कट करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कि बाउल, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे पीसेस रखे हैं, वन ग्लू स्टिक एंड ब्राउन एंड ब्लैक कलर पेंसिल। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेसन। से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क। ओके, नाउ मेंशन हियर डेट। यू हैव टू मेंशन द डेट When you are working on this date, आपको उस डेट की उस दिन की मेंशन करनी है डेट जिस दिन आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेसन। हमारे पास जो ये बाउल है वो हम इस तरफ रख लेते हैं हमारे। ठीक है, हम थोड़ा सा इसे शेक भी कर लेंगे ताकि हमारे जो कलर पेपर्स हैं वो एक साथ अलग अलग हो जाएं।
हम अपना ग्लू यहाँ रखेंगे, ठीक है। और अब हम हमारा लेसन इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ग्लू इस पे एक साइड पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे लाइक दिस। या मैंने ग्लू ले लिया है और इसे मैंने वन साइड पर ग्लू लगा लिया है लाइक दिस। आप देख रहे हैं ये ग्लू मैंने यहाँ पे लगा चुकी हूँ। इस तरह से ये ग्लू हम इस पे पेश कर दिया है। हम पूरे पे नहीं करेंगे, वन वन साइड पे करेंगे ताकि हम ग्लू सूखने से पहले हमारे पेपर इस पे स्टिक हो जाएं। अब मैं इस पे अलग अलग तरीके से पेपर स्टिक करने वाली हूँ। ये देखिए अलग अलग पेपर्स लेने हैं, जैसे कि मेरे बच्चों को ये वैसे भी आता है, ये कर चुके हैं, तो आपको किसी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी। आप बस जो कलर पेपर्स हैं वो मम्मा से कटवा लेंगे, कट कर लेंगे आप मम्मा की हेल्प से, ठीक है। तो इसके बाद हम इस पर स्टिक करते जाएंगे स्लोली स्लोली। क्या आप देख रहे हैं हमें अलग अलग पेपर चिपकाने हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइक दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमारा जो ग्लू लगा है हम इस पर भी स्टिक कर लेते हैं। ये एक्टिविटी बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अच्छी लगती है करने में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। क्या आप लोगों को ये एक्टिविटी करके मज़ा आता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत फैसिनेट करती है। अलग अलग पेपर चिपकाते हैं हम इसके अंदर तो बहुत मज़ा भी आता है लाइक दिस। क्या आप लोग देख रहे हैं? अब जैसे कि हमारे ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है, अब हम जिस जगह पे ग्लू ख़त्म हो गया है या नहीं है हम वहाँ पे भी ग्लू एक दफ़ा लगा लेते हैं। ऐसे देखिए मैंने एक साइड और ग्लू लगा ली है। अब मैं इस साइड पे भी कलर पेपर चिपकाऊंगी, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों को हॉलीडे फंड मिलने वाला है तो आप लोग किस तरीके से अपनी रूटीन बनाएंगे और सारा काम कंप्लीट करेंगे। आप लोग जब अभी बुक्स लेकर आए थे मेरे पास, मैंने आप लोगों की बुक्स चेक करी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से किया है, बहुत सफाई से किया है, वेरी गुड। और जो अब तक बुक्स नहीं लेकर आए हैं वो काइंडली टीचर के पास आएँ और उसे जमा करवा दें, ठीक है। ये देखिए हमारी कुछ हद तक हमारी जो स्नेक है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने कुछ पेपर्स ऐसे ही बाहर निकाल लिए थे, ये इजी होते हैं, हम ऐसे पकड़ के इसे यूं करके स्टिक कर सकते हैं इजीली। अब हम कुछ नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। इस तरीके से मैं बाहर निकाल के रख दिया है और इसे हम अब हमारा ये साइड भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर पेस्टिंग ग्लू ऑन अदर साइड्स, ठीक है। अब हम अलग अलग जगहों पे ग्लू लगा रहे हैं ताकि हमारा ये साइड भी कंप्लीट हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हम इस पर हम लगाते जा रहे हैं। ग्लू हमने स्टिक कर लिया था इसीलिए तो ये बहुत इजी हो रहा है हमारे लिए स्टिक करना। ये देखिए एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है और ये एक्टिविटी करके मज़ा भी बहुत आता है। इसमें आपके जो हैंड्स हैं वो डर्टी भी नहीं होते और हमें कलरिंग भी नहीं करनी पड़ती, तो हमें बहुत इन्जॉय भी करने को मिलता है इस एक्टिविटी के अंदर। ये देखिए तो हमने अब इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स चिपका दिए हैं, स्टिक कर दिए हैं।
आप लोग भी टीचर के साथ लेसन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपको वीडियो का पता चल जाए कि टीचर ने वीडियो सेंड कर दी है, आप उस वक्त अपनी बुक्स लेके बैठ जाइए और अकॉर्डिंगली बुक्स के सब्जेक्ट वाइज आप बुक निकालिए और अपना काम खुद से करेंगे, ठीक है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने कितने सारे स्टिक कर दिए हैं। अब मैं इसमें और ग्लू लगाऊंगी और इसे अच्छे से स्टिक कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें ग्लू लगा दिया है। अब मैं और पेपर्स लेती जा रही हूँ, स्मॉल कट ऑफ पीसेस। आप ये जो पेपर्स हैं वो मम्मा की हेल्प से कट करेंगे, खुद से कट नहीं करेंगे। आप लोग अभी छोटे हैं, सीजर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप मम्मा की हेल्प लीजिएगा कट करने के लिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि सेम कलर पेपर थोड़े अवॉइड करें चिपकाना, अलग अलग पेपर्स को स्टिक करेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ और पेपर्स भी बाहर ले लिए हैं, अब हम इसे और भी स्टिक करते जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम इस पर भी और भी, ये बहुत इजीली हो जाता है और जल्दी जल्दी भी हो जाता है, हमें मज़ा भी आता है ये एक्टिविटी करने के बाद। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम यहाँ हुआ करते थे हमने ये एक्टिविटी की है, तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। लाइक दिस, ये देखिए मैंने अब जो स्मॉल स्मॉल पीसेस थे वो अब ये जैसे ये वाली जो लाइन है इसमें हम स्मॉल स्मॉल पीसेस लगा देंगे, ठीक है। जो हमारे छोटे छोटे पीसेस हैं उसे लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या आप देख रहे हैं, ये देखिए ये मैंने लगा दिया है। अब मैं और भी छोटे छोटे से पीसेस ले लेती हूँ और इसे स्टिक कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने स्टिक कर दिया है और ये एक्टिविटी मेरी कलर पेपर स्टिक करने की कंप्लीट हो गई है। जो रेस्ट ऑफ पेपर्स हैं हम इसे फिल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये हमें बाद में काम आ जाएंगे। ये एक्टिविटी हम घर में ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी डायग्राम बना के मम्मा की हेल्प से, या आपके पास कोई एक्टिविटी बुक हो उसमें कलरिंग के बजाय हम ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं चेक करने के बाद। तो ये एक्टिविटी बहुत फैसिनेटिंग है, देखिए मुझे तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है एंड आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनका फेस तो छोड़ दिया है तो हम कुछ पेपर्स इनके फेस पे भी चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनकी आइज पे कलर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था मैंने 2 कलर्स ले लिए हैं, तो मैं इनकी आइज को अच्छे से कलर कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए आप चाहें तो इसके फेस पे ना चिपकाएं और सिर्फ इनकी बॉडी पे चेक कर, जैसे कर लिया है वैसे कर लें और उसकी जगह पे फेस पे अच्छे से कलर कर लें, जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर चेक करूँगी पर अगर आपका दिल करता है तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इनकी आईज़ को कलर कर लिया है, हम जैसे चाहें वैसे अपनी पिक्चर को अच्छा सा दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप आई बॉल के अंदर कलर करें कि आई बॉल के बाहर कलर करें। हमारी जो है वो रेडी हो गई है स्नेक, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। अब जो हमारे फेस पे हम इसे स्टिक कर सकते हैं तो मैं इस पर भी ग्लू स्टिक लगा लेती हूँ स्लोली स्लोली। अब हम इस पर कुछ पेपर्स इसमें से लेते जाएंगे और स्टिक कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये देखिए
आप चाहें तो उस पर कलर कर सकते हैं, कलर की भी चीज़ अच्छी और ज़्यादा लगेगी इस फेस पे। पर अगर आप चाहते हैं तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये मैंने इसके फेस पे भी कंप्लीट कर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मेरी स्नेक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका ऑनलाइन क्लास का ड्राइंग का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये आपका लास्ट पेज था ड्राइंग का ऑनलाइन क्लास से। ठीक है, अब हमारे पास थ्री पेपर्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, टीचर ने भी ग्लू ओपन रख दिया था, हम इसे सबसे पहले क्लोज़ कर लेंगे वरना हमारी जो ग्लू स्टिक है वो सूख जाएगी। ठीक है, ये एक्टिविटी के बाद आपको होमवर्क के अंदर टीचर ने थ्री पेजेस दिए हैं। ये आपके पास थ्री पेजेस हैं। फर्स्ट पेज ये है, ठीक है, अ डॉल। इसमें आपको सेम एज इट इज़ ऐसे कलर करना है जैसे कि इस पिक्चर में कलर हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरीके से इस डॉल को कंप्लीट करना है, कलर करना है लाइक दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर सेकेंड वर्क ऑफ होमवर्क इज़ पेज नंबर 30। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यह एनवेलप है, हमें इसमें ट्रेस करने हैं डॉटेड लाइंस को। और जो ये हमारी जो बिल्कुल जब ये रेडी हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर में भी कलर कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको जो कलर करना है, जैसे कि देखिए इस वाली लाइन के अंदर जो आप कलर करेंगे वो ये वाली लाइन है, उसका कलर आप अलग रखेंगे। ये देखिए, इसमें देखिए थ्री कलर्स हुए हैं हमारे पास। ये टू बॉक्सेस में सेम कलर हुआ हुआ है, इसमें हमारे पास मस्टर्ड कलर हुआ हुआ है और इसमें हमारे पास येलो कलर हुआ हुआ है। आप चाहें तो इसे कलरफुल कर सकते हैं, इसमें इतना कलरफुल नहीं हुआ हुआ है। तो जैसे कि आपने इसे ब्लू कर लिया, ठीक है, इसके बाद फिर आप इसमें वापस से ब्लू करेंगे क्योंकि ये वो वाला रेक्टेंगल है। फिर ये ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपको अनदर कलर कर लें। ठीक है, फिर आप जो इसमें लाइंस बनाएंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइंस को कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई और कलर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेम कलर कीजिएगा, फिर आप अलग कलर कर दीजिएगा यहाँ पे आते वक्त। फिर आपके जो अनदर लाइंस है, जो अलग अलग लाइंस हैं उसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं लाइक दिस। और आप इसे फैसिनेट करने के लिए अच्छे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास कप है, यहाँ पे भी हमें डॉटेड लाइन करनी है। यहाँ पे हम चाहें तो कलर कर लें, वरना ना करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें हमें ज़रूर कलर करना है क्योंकि ये कप हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम बस ये हमारे पास होमवर्क में थ्री पेजेस है, आप इसे कंप्लीट करेंगे और आज की हमारे पास ऑनलाइन क्लास का ये लेसन यहीं पर कम्प्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोगों को गुड बाय कर रही हूँ आज की ऑनलाइन क्लास से, क्योंकि ड्राइंग की लेसन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद अब हमारी वीडियो के अंदर मिस नाजिश हमें बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करवाएंगी। आई होप कि आप लोगों को वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नाजिश अली एंड आई एम टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। टुडे वी आर डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी नेम इज़ क्लॉक एक्टिविटी। यस, इट्स वी है आई हैव अ वेरी फैसिनेटिंग क्लॉक, आप देख सकते हैं, और मेरे पास एक बहुत अच्छी क्लॉक है। और आज मैं जो एक्टिविटी करवा रही हूँ वो क्लॉक एक्टिविटी है, और क्लॉक एक्टिविटी में आज हम आपको टाइम शो करेंगे एंड आपको आई होप बहुत इंजॉय करेंगे आप इस एक्टिविटी को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई हैव अ क्लॉक, इट्स वेरी कलरफुल क्लॉक, और इस क्लॉक पर आपको नंबर्स भी शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपको दो एरो भी शो हो रहे हैं। इट्स रिप्रेजेंट हार, आपको ये घंटे शो करेंगे कि यहाँ हमारे पास क्या बज रहा है और कितना बज रहा है और कितने घंटे हुए हैं। उसके लिए हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इट्स स्मॉल एरो एंड इट्स बिग।
ओके, अगर हम अपने स्मॉल एरो को वन पर रखेंगे और हम इस बिग वाले एरो को 12 पर रखते हैं, इट्स मीन इट शो 1 o'clock. What showing? 1 o'clock. Its arrow, its hour arrow and its minute arrow. ये आपको घंटा शो करता है और ये आपको मिनट शो करता है. ओके, अगर हमारा स्मॉल वाला एरो वन पर है और बिग वाला जो एरो है, मीन्स मिनट वाला एरो जो है, अगर वो 12 पर है, इट्स मीन दैट के 1 o'clock. विच टाइम इज दिस? 1 o'clock. इसी तरह अगर हमने अपना छोटे वाले एरो को, मीन्स हार वाले एरो को 2 की तरफ मूव करेंगे और बिग वाला एरो 12 पर ही है, इट्स मीन दैट के क्या टाइम हुआ है? 2 o'clock. विच टाइम इज दिस? 2 o'clock. देन वी मूव डाउन फ्रॉम नंबर 3. ओके, विच टाइम इज दिस? 3 o'clock. विच टाइम इज दिस? 3 o'clock. इसी तरह से आपको ये वाला जो एरो है, ये मिनट शो करता है, हार शो करता है. और इसी तरह से अगर हमने इसे यहाँ पर से होल्ड करेंगे, देन वी मूव फ्रॉम 7. स्मॉल एरो इज ऑन द 7 एंड बिग एरो इज ऑन द 12. देन विच टाइम इज दिस? इट्स 7 o'clock. इट्स 7 o'clock बिकॉज स्मॉल एरो जो है वो 7 पर है और बिग वाला एरो जो है वो हमारा 12 पर है. इसी तरह से अगर हम स्मॉल वाले एरो को मूव करेंगे ऑन 9 एंड बिग वाला एरो जो है इज स्टिल ऑन 12. सो विच टाइम इज दिस? टेल मी. इट्स 9 o'clock. इट्स 9 o'clock. देन वी मूव अ स्मॉल एरो फ्रॉम 11 एंड विच टाइम इज दिस? 11 o'clock. 11 o'clock. ओके, नाउ वी मूव फ्रॉम 12. नाउ स्मॉल इज ऑन द 12 एंड बिग इज ऑल्सो ऑन द 12. दोनों एरोज हमारे ऑन द 12 पर हैं. ठीक है, ये क्या शो, ये कौन सा टाइम शो कर रहा है? इट्स ऑल्सो शोइंग 12 o'clock, क्योंकि हमारा मिनट का जो एरो है वो भी 12 पर है और हार का एरो भी 12 पर है. इस तरह से हमारे पूरे ये 12 बज गए, मीन्स 12 o'clock. Now we are doing another activity. I have a big circle. I have big circle and I draw on the line, on the circle, big small circle, and I am showing number. अब मैं यहाँ पर आपको number show करूँगी, जैसा कि हमारी इस clock में number show है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. जिस तरह से यहाँ पर नंबर शो हैं, इसी तरह से हम और इस एक्टिविटी पर, अब इस सर्कल पर हमने एक और सर्कल यहाँ पर शो किया है. विच शोइंग, ये शो कर रहा है, यहाँ पर हम अपने नंबर्स लिखेंगे जो के हार्स शो करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे से बॉक्सेस दिए गए हैं. आई होप हैव यू सीन दिस बॉक्सेस. और यहाँ पर हम अपने मिनट्स शो करेंगे, हम यहाँ पर अपने मिनट्स शो करेंगे. वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी. सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग कैसे करेंगे हम? वी टेक अ मार्कर और पेंसिल, वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड सबसे पहले हम यहाँ से 12 से स्टार्ट करेंगे. 12, देन वी स्टार्ट. हमने 12 से यहाँ पर इसलिए स्टार्ट किया ताकि हमारी इक्वल लाइन का हमें अंदाज़ा हो जाए. देन वी राइट 1, देन वी राइट, देन 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन। और ये हमारे पास पूरी क्लॉक बन चुकी है। अब हम इस पर अपने एरो पेस्ट करेंगे। एरो कैसे पेस्ट करेंगे, आई एम शोइंग। और इसके लिए हमने एक टैग लिया है, वी पुट अ टैग। और हमने उस टैग को, हमने एक सर्कल बनाया हुआ था और हम उस टैग के ऊपर हम इस सर्कल को पेस्ट करेंगे लाइक दिस। एंड आई हैव टू एरोज, वन इज स्मॉल एंड वन इज बिग। ओके, हम सबसे पहले मिनट का जो है एरो यहाँ पर शो करेंगे लाइक दिस। देन वी पुट अ स्मॉल एरो लाइक दिस। और ये हमारे जो हमारा स्मॉल का एरो है वो, ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो स्मॉल वाला एरो है वो 2 पर है और हमारा मिनट वाला एरो जो है वो 12 पर है। इट्स मीन 2 o'clock, इट्स मीन 2 o'clock। इसी तरह हमारा अगर स्मॉल वाला जो है एरो 4 पर आता है और 12 पर हमारा स्मॉल वाला बिग वाला एरो रहता है, इट्स मीन दैट के हमारे पास क्या टाइम हो शो हो रहा है, 4 o'clock। अब हम यहाँ पर आपको मिनट्स शो करके बताएंगे। ओके, नाउ आई एम शोइंग राइट हियर मिनट्स। मिनट्स में हम यहाँ पर जो है आपको टाइम शो, मिनट्स शो करेंगे। मिनट्स कैसे शो करेंगे, यहाँ पर हमने आपको 1 hour का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अगर हमारे पास यहाँ पर स्मॉल वाला जो है एरो 2 पर है और ये 12 पर है, इट्स मीन कि 2 o'clock है। इसी तरह अगर हमारा स्मॉल वाला एरो 3 पर जाएगा और बिग वाला एरो 12 पर ही रहेगा, इट्स मीन कि हमारा 1 hour मूव हो गया है, हमारा 1 घंटा बढ़ गया है, इट्स मीन 3 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको मिनट्स शो करूँगी। फाइव टेन, ओके, फाइव और टेन का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको कहते हैं मिनट्स। मीन्स हमारा जो स्मॉल वाला एरो है वो आहिस्ता से मूव होता है, वो आहिस्ता से मूव होता है, और वो आहिस्ता से मूव होता है जो हमें मूव होता हुआ नज़र नहीं आता। जो मिनट्स का एरो होता है वो तेज़ी से मूव करता है, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। और इस तरह से जब हमारे 12 से बिग वाला एरो 1 पर आएगा, इट्स मीन 5 मिनट्स, इट्स मीन 5 मिनट्स। ओके, हम यहाँ पर अपने मिनट्स कंप्लीट करते हैं, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर हमारा जो स्मॉल वाला एरो है वो बहुत स्लोली मूव करता है, वो मूव होता हुआ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता, मगर जो हमारा मिनट का एरो है वो मूव करता है तो वो हमें फील होता है कि वो मूव कर रहा है। मीन्स अगर हमारा बिग वाला एरो 1 पर है और वो मूव करके 2 पर आता है, इट्स मीन हमारा 5 मिनट कम्प्लीट हो चुका है। 5 से 10 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 मिनट्स कहलाता है, 5 मिनट्स कहलाता है। अगर हमारा 1 से 2 पर अगर बिग वाला एरो मूव कर रहा है,
या 2 से 3 पर मूव कर रहा है या 4 से 5 पर अगर हमारा बिग वाला एरो मूव कर रहा है, इट्स मीन कि वो 5 मिनट्स हो चुके हैं। जैसे 1 पर एरो है, 1 से अगर वो 2 पर जा रहा है, हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो गया। देन अगर वो मूव करके और 3 पर जा रहा है, इट्स मीन कि हमारा 10 मिनट कंप्लीट हो गया। हर मिनट में 5 सेकेंड्स हैं, 5 सेकेंड्स हैं। और इसी तरह से अगर हमने 10 पर रखा है और अगर हम 15 पर ला रहे हैं तो हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अभी छोटे हैं इसलिए मैं यहाँ 5 मिनट का कंसेप्ट दे रही हूँ आपको, सेकेंड्स पर हम नहीं आते वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने यहाँ पर आपको 1 आवर और 5 मिनट्स 10 मिनट्स का कंसेप्ट दिया है। यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है वो 5 मिनट की ड्यूरेशन से हमने लिखा है। 5 से 10 पर तो अगर हमारा ये एरो मूव करता है, इट्स मीन हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर हमारे ये जो हमारा बिग वाला एरो यहाँ पर मूव होगा, इट्स मीन हमारे 10 मिनट्स कंप्लीट हुए। और इस तरह 5 एडिशन होते हुए हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। स्मॉल वाला एरो हार शो करता है और जो बिग वाला एरो है वो मिनट्स शो करता है। इसी तरह से जो हमने आपको यहाँ पर एक्टिविटी करवाई थी उसमें भी हमने आपको यही बताया था कि हमारा एरो जो है वो अभी इस क्लॉक पर, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी जो बिग वाला एरो है वो अगर 4 पर है और स्मॉल वाला एरो 4 पर है और बिग वाला एरो 12 पर है, इट्स मीन दैट इट्स शोइंग 4 o'clock, इट्स शोइंग 4 o'clock। इसी तरह से अगर हमारा 12 वाला एरो मूव होकर 1 पर जाता है, इट्स मीन 5 मिनट्स मूव ऑन हो चुके हैं, 5 मिनट्स मूव ऑन। इसी तरह से अगर हमारा एरो स्मॉल वाला 4 पर ही है और बिग वाला एरो मूव कर रहा है तो हमारे और एक और 5 मिनट्स हो चुके हैं, मीन्स हमारे पास 10 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप छोटे हैं तो इसलिए मैं आपको हॉर का और मिनट का ही कंसेप्ट दे रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्टिविटी में फिर मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंड का जो है वो कंसेप्ट किस तरह क्लियर होता है। अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि स्मॉल वाला एरो जो है रिप्रेजेंट टू हार एंड बिग एरो इज रिप्रेजेंट टू मिनट्स। यहाँ पर हमारे मिनट्स और हार का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आपने एक पेपर पर एक छोटी सी क्लॉक बनानी है, उस पर एरोज बनाने हैं और यहाँ पर शो करना है कि हमारे पास अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। आई होप आपने इस एक्टिविटी को इन्जॉय किया होगा। अब आपने एक अच्छी सी वीडियो या अच्छी सी पिक्चर्स मुझे सेंड करनी है अपना।